इंग्लैंड के जो बॉलर थे जी, हाँ, ओली रॉबिन्सन जी, आपने काफी नाम सुना होगा उनका। गलत रीजनों से नाम थोड़ा ज्यादा सुना होगा, बिल्कुल क्योंकि पहले मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और जबरदस्त उनका रहा था डेब्यू। लेकिन जी हाँ, उसके ठीक बाद काफी सारे उनके ट्वीट्स, जी हाँ, 8-10 साल पहले बिल्कुल के उनके ट्वीट्स कुछ इंटरनेट पे वायरल होने लगे। उन ट्वीट्स में कई आपत्तिजनक उन्होंने बातें उस टाइम पे कही थी, जिनको लेकर उनपे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जो समझ से परे था। उनपे कार्रवाई की गई और उनपे कार्रवाई और सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 8 मैचों का बैन लगाया गया था। जी हाँ, 8 मैचों का बैन लगाया गया था। ये उस वक्त की न्यूज थी, वह ये हमने भी अपने चैनल पे आपको दी थी। अब एक ताजा खबर ये आ रही है कि ओली रॉबिन्सन वापस आ रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्या हो गया, मतलब अचानक से वापस आ गए, 8 मैचों का बैन कहाँ खत्म हुआ है, 8 मैच तो इंग्लैंड खेली भी नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे हुई है और कैसे वो वापस आ रहे हैं इंडिया के दौरे। बिल्कुल देखिए, ये 8 मैच का यहाँ पे उन पे बैन लगा था। जी हाँ, शुरू हुआ दूसरे टेस्ट से। जी जी हाँ, जो क्रिकेट डिसिप्लिन कमीशन है, उन्होंने ये इंग्लैंड के लिए काम करते, ये इंग्लैंड का ही एक डिसिप्लिनरी बोर्ड है जो जी काम करता है इस तरह के, इसमें कि वो बैन करे या जी हाँ सजा दे इस तौर पर। तो ये वो कमीशन बोर्ड था, इन्होंने 8 मैच का बैन लगाया था ओली रॉबिन्सन पे। जी जी हाँ, पर जिसमें कि पांच मैच उसको 2 साल के लिए डिफर कर दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक मैच, जो सेकंड, जो 3 मैच बचे, वो सेकंड मैच था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, और उसके बाद 2 विटैलिटी मैच को भी इसमें, जो उन्होंने नहीं, जिनको उनको सस्पेंशन लगा, जो उन्होंने नहीं खेले थे 2 विटैलिटी मैच भी, जी हाँ उसे भी यहाँ पे ईसीबी ने इंक्लूड कर लिया है। तो जी हाँ 3 मैच ये हो गए हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो जी हाँ, यही थोड़ी समझाने वाली बात है। यहाँ पे लोगों को काफी समझ नहीं आ रहा है इस चीज का कि अचानक से ओली रॉबिन्सन कैसे वापस आ गए, तो यही वो रीजन है जिस रीजन से वो वापस आए हैं। जी बिल्कुल हाँ, और क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि ईसीबी ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि ओली रॉबिन्सन को वापस लाया जा सके, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हुए हैं। और इमीडिएटली, जी हाँ, इमीडिएट इफेक्ट से वो पूरी तरह से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो ट्रेनिंग्स में भी अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, जो भी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग की चलते हैं उनसे, उनमें भी वो पार्टिसिपेशन अब कर सकते हैं। जहां तक बात है, 5 मैच जो 8 में से 5 मैच जो है वो 2 साल के लिए डिफर कर दी गई थी, यानी उनको 2 साल के लिए टाल दिया गया था। यानी बिल्कुल दो जी साल हाँ बाद अगर कोई दोबारा से फैसला आगे नहीं बढ़ाया गया तो 2 साल बाद उनमें 5 मैच का बैन लगेगा। तो 2 साल बाद उनको 5 मैच का बैन लगाया जाएगा और वो मैच से 5 मैच के लिए बैठ जाएंगे। जरूर वो बैन कितना लगेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्लियर कट है यहाँ पे, बिल्कुल लग रहा है कि इंग्लैंड का बोर्ड चाहता है और इंग्लैंड टीम चाहता है कि इंडिया के खिलाफ तो इस बॉलर को हरा उतारना है, क्योंकि काइल जेमिसन ने जो किया है इंडिया के खिलाफ एक नए यंग बॉलर ने, तो कहीं ना कहीं ओली रॉबिन्सन एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए। तो क्या इसको आप इस तरह से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि रूट पहले ही कह चुके हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रांग फिट एक टीम उतारेंगे, अपनी बेस्ट 11 उतारेंगे, और यहाँ कोई रोटेशन या कुछ नहीं चलेगा बिल्कुल अगर वो फिट है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और उसके बाद इसका आना, ओली रॉबिन्सन का ऐसा बैन को रिमूव करना, बिल्कुल दर्शाता है कि रूट ने शायद कहीं ना कहीं इसी से बात की है। और आपने बिल्कुल सही कहा, काइल जेमिसन ने का परफॉर्मेंस ये कहता है कि ओली रॉबिन्सन को टीम में आना चाहिए। दोनों का सेम स्पीड से दोनों का तकरीबन बॉल डालते हैं, कहीं ना कहीं ये रीजन है। और मेरे लिए तो ये भी समझ से परे था कि 10 साल पहले जो उन्होंने बात बिल्कुल, कही, तभी तो मैंने कहा वो बेमतलब था। और कुछ फिर मॉर्गन और बटलर पे भी कहने लगे कि ये ऐसा है वैसा है, जी शायद ये हाँ भी बाहर होंगे ऐसा है, लेकिन क्या जरूरत है इन सब का, मुझे समझ में नहीं आता। अगर अभी किया होता तो तुरंत निकाल दीजिए, कि इस एज में बिल्कुल आके, इतनी समझदारी की एज में आके अगर आप बेवकूफ ऐसे कमेंट करते हैं या ट्वीट करते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ जी हाँ, हो और आप नहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन कराने के लायक बिल्कुल भी लायक। नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि पूरी लेकिन बहुत तरह से अच्छा किया इंग्लैंड बोर्ड ने बिल्कुल ओली रॉबिन्सन को किसी भी हाल में अपने इस बैन से रिलीज किया है, ताकि उन्हें इंडिया के खिलाफ यूज किया जा सके। क्योंकि एक न्यू बॉलर होगा जिसे इंडिया ने खेला नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज कहीं ना कहीं इंग्लैंड को होगा। ये बड़ी पिक्चर है, समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं बहुत सीधा है, 8 मैच हो गए, हाँ 3 मैच बिल्कुल रिलीज हो गए, चलिए इनको छोड़ दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर बोर्ड्स के पीछे बहुत बड़ी चक्कर है, बहुत बड़ी चीजें चलती हैं, कोई भी बोर्ड्स हो, खाली ईसीबी को नहीं बोल रहे हैं, तो कोई भी बोर्ड्स हो, बहुत सारी चीजें चलती हैं दिमाग में। आने वाली सीरीज पर ध्यान रखा जाता है। इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंग्लैंड टीम इंग्लैंड में ही डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंचती, इससे ज्यादा बेचैनी की बात कुछ नहीं बिल्कुल होगी। इसी चीज का आप वो तैयारी कर रहे हैं कि अब से ये चीजें, गलतियां उन्हें नहीं करनी है, और किसी भी हाल में उन्हें फाइनल तो खेलना है जरूर डब्ल्यूटीसी का। उसकी शुरुआत इंडिया से के साथ होने वाली है, बिल्कुल जहां पर ओली रॉबिन्सन अगर खेले तो बहुत मुश्किल हो सकती है इंडिया को, क्योंकि वो न्यू बॉलर है, यंग है, इंडिया के जरूर किसी जी भी बैट्समैन ने हाँ उन्हें अभी तक बिल्कुल खेला नहीं है, जो कि
बहुत ही ज्यादा एडवांटेज इंग्लैंड को जाएगा। लाल जी कुछ कहना चाहेंगे ना? बिल्कुल ये सही कहा आपने, क्योंकि WTC 2 के लिए रूट क्लियर कर चुके हैं और मुझे लगता भी है कहीं ना कहीं WTC 2 में बहुत सीरियसनेस देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि सीरियसनेस 1 में भी थी ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि आप मजाक में ले गए, हो नहीं पाए तो मजाक में ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क, लेकिन जैसे ओली रॉबिन्सन का आपने जिक्र किया, मुझे पूरा उम्मीद है WTC के लिए 2 साल का सर्कल होता है, हर टेस्ट मैच खेलेंगे जरूर, एसेस भी वो खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार क्रिकेट अपडेट और एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे और बने रहिए दिल्ली क्रिकेट के साथ। बाय बाय।